तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे सोया खेमा की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, और यहाँ पे कम से कम मसाले का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सोयाबीन को यहाँ इस तरह से भिगो के रख दिया है, या आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा था, और इसे अच्छे से दो तीन पानी से मैंने अच्छे से धो के भी लिया है। अब ये पानी जो है हम इस तरह से निचोड़ लेंगे, हमें पूरा स्क्वीज़ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी रह गया तो भी चलेगा, हमें ग्राइंड करते वक्त ईजी होगा। तो इस तरह से सब निकाल लिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको दरदरा पीस लेंगे। हमें यहाँ पे पानी वानी का इस्तेमाल करना नहीं है, बिना पानी के हमें यहाँ पे पीस लेना है। बहुत ही इजीली ये ग्राइंड भी हो जाता है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर दिया, आप देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा ही रखा है मैंने। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई को हीट किया है, और उसमें मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से हीट होने के बाद मैंने जीरा डाला है, उसको भी अच्छे से डांस करने दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1-2 तेज़पत्ता और थोड़ी सी मूँगफली के दाने डाले हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटर की भी टेस्ट अच्छी लगती है, लेकिन मुझे इसमें इसका क्रंच थोड़ा सा अच्छा लगता है, और मेरे पास मटर अवेलेबल नहीं थे तो मैंने मूँगफली डाली है। आप इवन कॉर्न भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च को इस तरह से काट के डाला है, और साथ ही मैं थोड़ा सा अदरक और लहसुन 1-1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से हम भून लेंगे जब तक इसका रॉ स्मेल चला नहीं जाता। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करी पत्ते थोड़े से, इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। अब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी सी डाली है हल्दी। हल्दी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कीजिए। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 2 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। अब क्या करेंगे ना, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी अभी, और अब जब हमारा बन के रेडी हो जाएगा तब हम इसमें बाकी का भी ऐड कर लेंगे, या फिर आप इसी टाइम दोनों भी ऐड कर सकते हैं, मतलब 1 टीस्पून के करीब। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कसूरी मेथी, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहे तो इस स्टेज में यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसकी प्रोसेस को स्लो करने के लिए, लेकिन मैं इन्हें यहाँ पर गैस को स्लो कर दिया, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर भूनने के बाद आप चाहे तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिना दही के बना रही हूँ। बिना दही के मैं बहुत ही अमेजिंग लगता है। साथ ही में मैंने डाला है टमाटर 1, और साथ ही में थोड़ा सा नमक इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने तक। अब हमारी ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है, कलर भी बहुत ही प्यारा सा आया है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा धनिया, और हमने जो सोयाबीन को ग्राइंड कर लिया था उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जो सोयाबीन चंक्स आते हैं ना उसे। तो अब मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसे अच्छे से पका सकूँ मैं इसके अंदर। अब इसको ढक्कन लगाएंगे और अच्छे से पकने देंगे। बीच में 1-2 मिनट के लिए हम बीच में क्या करेंगे ना, हम 1-2 मिनट के लिए इसे इस तरह से ढक्कन उठा के अच्छे से हिला भी देंगे ताकि बीच में से नीचे जले ना इसलिए। और इसी तरह से हमें करते हुए इसे लगभग मुझे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ही स्लो गैस मैंने रखा है यहाँ पे। पकने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका मेन इन्ग्रीडियंट्स डाला है जो चिकन मसाला और थोड़ी सी हरा धनिया। चिकन मसाले से इसमें बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, जैसे आपको लगेगा आप नॉनवेज वाला खीमा ही खा रहे हो। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि मसाले अच्छे से अंदर तक मिल जाए, और इसे एक बार मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी, और ये खिला खिला सा भी बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राई किया हुआ अनियन, जिससे इसमें बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसे लगी थी रेसिपी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।